अगर नौजवान को भी कंधे में दर्द हो जाए तो तकलीफ उतनी होती है जितनी एक बड़े बुजुर्ग को होती है, और अगर कंधा जाम हो जाए तो जवान के हाथों की ताकत और जवान के कंधे जिसने देश का और परिवार का वजन उठाना है वो उठाने लायक नहीं रहता। आज की शेयरिंग आपके साथ है मिस्टर अजय, ये अपना परिचय भी देंगे, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र जाए हैं, इनकी मौसी साथ में है। कैसा इनको रहता था, क्या कठिनाई ये महसूस करते थे जिसके कारण से यहाँ ये आए, ये सारी बात यही शेयर करेंगे, और कैसा लग रहा है ये बाद में ये भी बताएंगे। तो कैसा कैसा महसूस करते थे, आपको क्यों आना पड़ा मेरे पास, बताओ जरा, आप परिचय दो अपना और पूरी जानकारी दो। मेरा नाम अजय गोलब। कहाँ से? महाराष्ट्र से। कहाँ महाराष्ट्र में? ठाणा बदलापुर से। अच्छा जी। और मेरा कंधा बहुत दर्द करता था। कंधा दर्द करता? हाँ, कंधा दर्द करता, मेरे को वजन उठाने के लिए नहीं होता था। अच्छा। सोने के लिए गया फिर भी दर्द होता था। अरे मेरा गर्दन का पूरा नस से पूरा टाइट हुआ था, मतलब पूरा गर्दन टाइट हो गया था, घूमने के लिए नहीं होता था, अभी एकदम रिलैक्स लग रहा है, कंधा भी एकदम बढ़िया लगा। बढ़िया लग रहा है। अच्छा, क्यों हुआ था ये सारा कंधा दर्द आपको? गिर गया था। गिर गए थे? हाँ। गिरने के कारण से कंधा दर्द हो गया था, कंधा जाम हो गया था। और कितने समय से तकलीफ थी, कितना टाइम हो गया था कंधे को? एक महीने से मेरे को ज्यादा दर्द होने लगा। लेकिन उससे पहले? उससे पहले मेरे को दर्द नहीं होता। नहीं, एक महीने से पहले भी, एक महीने से ज्यादा हो रहा था। हाँ। पर उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था, थोड़ा थोड़ा हो रहा था, इतना नहीं हो रहा था, मतलब इतना ही हो रहा था, अभी काम चल रहा था। काम चल रहा था। एक महीने तो काम ही रुक गया। तब ठीक चल रहा जी। तो आपको यहाँ कैसे आए, कौन लेकर आया? हम यूट्यूब पे देखा था। अच्छा। मतलब मेरे बड़े भाई ने देखा था, तो उन्होंने मेरे को बताया ऐसा ऐसा है ट्रीटमेंट दिल्ली में आरोग्य पीठ में। हाँ जी। तो हम लोग आए इधर, तो जैसा देखा वैसा पाया। हाँ। कितने दिन थेरेपी लिया? 8 दिन। 8 दिन थेरेपी ली। और एक दिन में कितनी थेरेपी ली? 3। 3 थेरेपी ली। तो 8 दिन में, 8 दिन सभी, 8 दिन 16, 24 थेरेपी उन्होंने ली, और 24 थेरेपी में गोलू भाई एकदम परफेक्ट है। दिखा दो हाथ, हाथ एकदम परफेक्ट हो गए, है ना? ऐसा ही चाहिए। तो कंधे के दर्द वाले कहीं भी अगर हों तो आरोग्य पीठ में आइए, आप ठीक हो जाएंगे। आप क्या कह रही हैं, आपको कैसा लगा इनको देखकर? मेरे को अच्छा लगा है। हैं? अच्छा लगा है। अच्छा लगा ये। हिलता है, खिलता है, ऐसा हाथ ऊपर करता है, नहीं तो उसको हाथ भी ऊपर नहीं जाता था, रोता था ये घड़ी घड़ी। अच्छा। हाँ। रोता था? रोता था। इतना दर्द था? इतना दर्द था उसका। अब रोना है? तो आरोग्य पीठ में आकर ऐसे ही रोते, उदास, हताश, निराश चेहरे मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन उसमें जरूरी होती है उस व्यक्ति को खुद भी पालन करना, वैसा जैसा हमने बताया। अगर वो पालन नहीं करेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका ठीक ही नहीं कर सकता। रिलीफ कर भी दिया तो फिर से दर्द आ जाएगा। तो ऐसे अभी उन्होंने पूछा मुझे कि क्या लगता है कितना ठीक रहेगा, ये तो परमानेंट ठीक रहेगा, इसको दोबारा कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर से झटका मार देगा तो दर्द है। हाँ, 15 दिन खाना पीना अभी भी ठीक से सावधानी से रखना है। अगर 15 दिन दर्द को नहीं आने दिया तो फिर जिंदगी में कभी दर्द ये वाला नहीं आएगा, नया दर्द बेशक ले आना, ठीक है? तो ऐसे ये ठीक रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।